हेलो, टुडे वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें स्पेशली वेव्स के बारे में बात करेंगे, लाइक पी क्यू आर वेव्स कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हार्ट बनाएंगे, जो कि एक डायग्रामेटिकल होगा, कि मतलब बस पता लगे कि एट्रियम कौन से और वेंट्रिकल कौन से। तो ये ऊपर वाले ऑब्वियसली दो एट्रियम हो गए और नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। और फिर हम लोग ये बनाएंगे, यहाँ पे ये सेप्टम, ये हमारी राइट साइड हो गई, ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। और इसके आसपास हम अपना बनाएंगे बंदा, जो कि बहुत ही मोटा है, उसका फेस बहुत ही छोटा है। तो ये हमने बंदा बना दिया, ठीक है। अब ये उसका हार्ट, जो कि सेंटर में छोटा सा होता है, ये हमने बहुत ही एनलार्ज करके बना दिया ताकि हमें समझ आ जाए। हमने अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जी, जब भी हमारी ये हमारा होना होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है सिस्टोल वगैरह के टाइम पे, तो सबसे पहले कहाँ से जनरेट होती है, मतलब कहाँ से शुरू होती है। तो वो हमें पता है कि राइट साइड में, ये राइट एट्रियम में, ये एकदम यहाँ पे कॉर्नर में होता है एस ए नोड, ठीक है, ऐसे नोड होता है। तो वहाँ से हमें पता है कि जो स्टिमुलस है वो जनरेट करता है, वो ओरिजिनेट करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो सेल्स होते हैं, हमने पता, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ऐसे नोड में क्या होता है कि वो एक्साइडेटरी होते हैं, सेल्फ एक्साइडेटरी, वो लीक करते हैं। वो मैं आपको, आप देख सकते हो वो वाली वीडियो पहले, इससे पहले, ठीक है। तो ऐसे नोड से ओरिजिनेट हुआ इम्पल्स, उसके बाद वो गया यहाँ पे एट्रियम में। तो ऑब्वियसली यहाँ से, अब यहाँ से जनरेट हुआ, तो इसका जो वेक्टर बनेगा कि डीपोलराइजेशन का, वो डीपोलराइजेशन ऐसे ट्रैवल करेगी, इस तरीके से डीपोलराइजेशन ट्रैवल करेगी, मतलब लेफ्ट की तरफ, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ये वाली डीपोलराइजेशन ट्रैवल कर रही है क्योंकि राइट से ओरिजिनेट हुआ। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये वाली जो वेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, क्योंकि राइट से शुरू हो रहा है इसीलिए डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारी एट्रियम फिल हो गया। अब सेकेंड जो इम्पल्स जनरेट होता है ना, वो होता है, अब यहाँ तक एट्रियम तक चला गया, अब एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जाना है, तो ये जो यहाँ पे होता इधर ही है एट्रियम में, तो राइट एट्रियम के इधर ये होता है एवी नोड हमारा, ठीक है। अब एवी नोड में क्या होता है कि एवी नोड की जो कंडक्शन होती है ना, वो स्लो होती है। पहली बात, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो काफ़ी सारे होते हैं, तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे गैप जंक्शंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो फिर एक, जैसे जो आयन है उसे ट्रैवल करना, मतलब एक इम्पल्स को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो कहीं से और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरवाजे आ रहे हैं, तो हर दरवाजे से जाना आना, ठीक है, वो एक ज़्यादा टाइम लग कंज्यूम हो जाता है, हर दरवाजे को नॉक करना जाना। लेकिन अगर दरवाजे ही कम हो, तीन दरवाजे हों और ऐसे लंबे लंबे सेल हो, तो वहाँ से इम्पल्स का ट्रैवल करना इजी है, मोर तो और फास्ट है। तो फिर ये वाली जो एवी नोड वाली कंडक्शन होती है ना, जो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही टाइम लग जाता है। और ये जो एवी नोड है ना, उसको कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है अपनी डीपोलराइजेशन के लिए, रैदर दैन पुरकिंजे सेल। पुरकिंजे जो होते हैं वो सोडियम पर डिपेंडेंट होते हैं, तो पुरकिंजे जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। ये हमने पुरकिंजे से ऐसे ही हमने कर लिया वो, लेकिन अभी आपको इतना पता चला कि एवी नोड जो है वो बहुत ही स्लो करंट पास करेगा। वैसे इसका क्यों, रीज़न क्या है कि एवी नोड स्लो पास करता है, ताकि वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो पूरी हो, सॉरी एट्रियम जो है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो होल्ड करने के लिए बस। अब एक बार एवी नोड जो है वो हो चुका है अपना स्टिमुलेट, और एवी नोड ने अपनी इम्पल्स दे दी, तो अब एवी नोड से जब वेंट्रिकल में आएगा, तो यहाँ पे यह है सेप्टम। अब सेप्टम को अगर मैं बनाऊँ प्रॉपरली, तो मैं अगर मैं चलो पूरे वेंट्रिकल्स को बनाऊँ अगर, तो कुछ इस हिसाब से बनेंगे, ठीक है। ये हमारा वो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारी आ गई सेप्टम बीच में। अब ये जो सेप्टम है, ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारे, मतलब यहाँ से एवी नोड से, ये लेफ्ट, इधर से दो ब्रांचेस जाएंगी, एक लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये दोनों बंडल ब्रांच, और ये है हिज
फाइबर्स ऑफ हिज या बंडल ऑफ हिज, और यहाँ से दो ब्रांचेस गई, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और यहाँ से ये आए पुरकिंजे फाइबर्स, और ऐसे पुरकिंजे फाइबर्स ने पूरे वेंट्रिकल में अपना कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए फैल गए, ठीक है, और पुरकिंजे काफ़ी फास्ट है। तो ये हो गया। तो ये जो सेप्टल मायोकार्डियम है ये कैसे स्टिमुलेट हो रहा है, जब यहाँ से जब आई है बंडल ऑफ हिज से आई है तो एक जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक जाएगी राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो जो सेप्टल मायोकार्डियम है उसे सबसे पहले कौन देता है स्टिमुलस, उसे देती है हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच। कौन इसको कौन देती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। वेंट्रिकल में जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो सेप्टल मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करेगी। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर आया, फिर उसके बाद ए वी नॉट हुई, तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ने सेप्टल मायोकार्डियम को वो किया, स्टिमुलेट किया। राइट बंडल ब्रांच से नहीं होती, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन सेप्टल का लेफ्ट से हो रहा है। उसके बाद तो अब लेफ्ट हैंड साइड वाली सेप्टल मायोकार्डियम हो चुकी है स्टिमुलेट, तो अब जो वेव जाएगी सेप्टम से वो अब यहाँ से अब राइट तरफ जाएगी और ऊपर जाएगी, तो ये वाला जो वेक्टर है वो ऐसा बन जाएगा सेप्टल वाला, कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जा रही है, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ने सेप्टल मायोकार्डियम को स्टिमुलेट किया इधर से, तो लेफ्ट से राइट हैंड साइड तक ऊपर जाएगी ये सेकेंड वेक्टर हमारा, ठीक है, डीपोलराइजिंग वेक्टर हम बोलते हैं ऐसे। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, डीपोलराइजिंग वेक्टर ऑफ सेप्टल मायोकार्डियम, ठीक है, टुवर्ड्स राइट एंड अपवर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब जब सेप्टम हो गया एक बार स्टिमुलेट, सेप्टम के बाद अब क्या बचा, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट दोनों है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी स्टिमुलेट होगी, राइट हैंड साइड भी स्टिमुलेट होगी, इधर के वेंट्रिकल दोनों जो है वो शुरू हो जाएंगे डीपोलराइज होना। तो पर लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमें पता है कि वो ज़्यादा थिक्कर है, वो स्ट्रॉन्गर है ज़्यादा, तो इम्पल मतलब दोनों साइड पे एक ही टाइम पे इम्पल्स जा रही है, तो इसलिए हम इन दोनों का कंबाइंड वेक्टर जो कि स्ट्रॉन्गर है वो हम कर सकते हैं, तो वो स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड ऐसे हो जाएगा इस साइड, ठीक है, ये हमारा हो गया वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का वेक्टर, ठीक है। तो नेट वेक्टर जो होगा वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड, ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, ठीक है, वेंट्रिकल और बेसल। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, उसके बाद ये जो हो गई वो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है, मेजर एरिया लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का पूरा पूरा एरिया। उसके बाद क्या होएगा, अब यहाँ पे तो चलिए, उसके बाद ये वाला एरिया आएगा, ये कौन सा एरिया है, बेजल एरिया। तो बेजल पार्ट जो है वो स्मॉल है, छोटा सा है, तो उसके लिए छोटे छोटे वैक्टर यूज़ होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे वैक्टर हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। ये वेक्टर का क्या काम है आगे पता लगेगा। अब ये जो भी हमने वेक्टर्स बनाए वो हम एक हार्ट में बना देते हैं प्रॉपर, दोबारा से हार्ट बनाकर। तो ये बनाया मैंने एकदम, फर्स्ट वाला हमारा कौन सा था, जब एस ए नोड से हमारा ये वाला जो हमने किया था एस ए नोड से इधर तक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, वो वाली डीपोलराइजेशन होगी एट्रियम की, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा कि हमारा जो ए वी नोड है वो डीपोलराइज होता है सेकेंड में। ए वी नोड के बाद क्या होता है कि ए वी नोड से यहाँ से क्या होता है कि जो ए वी जो हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो जो सेप्टल मायोकार्डियम है उसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टिमुलेट करती है यहाँ से, तो फिर ये ऊपर जाता है, तो ये हो गया अपवर्ड एंड राइटवर्ड। उसके बाद हमारी ये वाली मेजर डीपोलराइजेशन होती है वेंट्रिकल की, जो कि लेफ्ट राइट दोनों होती है, लेकिन लेफ्ट हम लोग इसीलिए कंबाइन कर देते हैं क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर हो रही होती है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है वो। उसके बाद फिफ्थ वाली हमने कर दी, ये हमारी होगी बेजल। अब यहाँ पे ये इंसान खड़ा बड़ा सा, और हमने यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दी, और इसके यहाँ पे पैर पे कौन से लेफ्ट पैर पे पॉजिटिव बना दी, और ये हमारा ये राइट साइड की आर्म पे हमने लेफ्ट इलेक्ट्रोड और ये वाली पॉजिटिव, और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ये वाली भी इलेक्ट्रोड को ज्वाइन किया, और कहाँ पे लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। अब साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेंसिल रखी है, मतलब आप लगा लो कि ये वाली जो इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहे हैं ना वो हमने यहाँ पे एक पेपर रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा पेपर है यहाँ पे, जो कि ये रोल होता है,
यहाँ पे रोलिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है, ये पेपर रोल होएगा और यहाँ पे एक पेंसिल है जो कि यहाँ पे लाइन बनाएगी अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पे कुछ ये वाला इवेंट हुआ तो उसके हिसाब से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कितना जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे ECG का पैटर्न, जो भी हम ECG देखते हैं वो इस पेपर पर देखते हैं, तो ये पेंसिल जो है वो यहाँ पर बनाएगी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैपनिंग इन दिस बॉडी हार्ट ऑब्वियसली। तो अब ये जो वेव्स हैं वो कैसे बनती हैं, अभी वेव्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू।